व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत ही सारा प्यार, क्योंकि इतने दिन बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो बहुत ही प्यारा लगा है। 62 डेज हो गए, 62 दिन एक भी वीडियो नहीं डाला। तो आज बहुत ही दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो रात के 9 बज गए और सोया हुआ था तो एकदम मूड हुआ वीडियो बनाने का, तो छोटू सेठ को बुलाया तो लाइट पकड़ के छोटू सेठ ने, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ अंधेरा देख सकते हो आप, यहाँ पे चारों तरफ अंधेरा है और छोटू सेठ ने यहाँ पे लाइट पकड़ रखी, देख सकते हो। पता ना छोटू सेठ, छोटू सेठ का मुँह, ये छोटू सेठ है, चारों तरफ अंधेरा है। तो देखते हैं जो भी बनता है, आज आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा। लेकिन बहुत दिनों हो गए वीडियो नहीं बनाया, तो बहुत ही दिनों बोल रहे थे वीडियो बना वीडियो बना, तो आज फाइनली वीडियो बना के रहेंगे। कुछ भी हो जाए फाइनली आज ब्लॉग तो पक्का बनाएंगे, तो जो होगा जो करेंगे आज। चल तो चलते बाहर की ओर, बाहर चले गए, 9 बज रही है अभी तो। चलो भाई, आज शायद मंदिर पर कुछ प्रोग्राम भी है, तो देखते जो भी होगा तो चलते बाहर की ओर। चलो तो हम चुके हैं बाहर की ओर। तो अभी कोई दिख नहीं रहा है बाहर, मैं हूँ छोटू सेठ हूँ पूरी पूरी एरिया में, तो भी कोई दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि घर में होंगे, खाना खा रहे होंगे। और मैं एकमात्र ऐसा हूँ पूरे गांव में जो 5-6 बजे खाना बना लेता हूँ और जल्दी 6 बजे खा लेता हूँ और सब काम करके फ्री हो जाता हूँ। अभी सब खाना खा रहे होंगे, तो मैं और छोटू सेठ है, जो देखते हैं आगे क्यों चलते हैं, जो होगा तो देखते हैं, जो होगा तो बनाएंगे आज पक्का, पर व्लॉगिंग तो आज करनी है, ठीक है। चारों तरफ अंधेरा देख सकते हो, पूरी तरफ चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, कोई दिख तो नहीं रहा है। वहाँ पे हमको जाना है, वहाँ पे दिख रहा है वो। फाइनली हम जाने वाले हैं मंदिर में, तो वहाँ पे पूजा हो रही है और हम जाके शूट करेंगे वीडियो और वीडियो बना के आप तक भेजेंगे, क्योंकि पंडा भाई ने बहुत दिनों तक वीडियो नहीं बनाया था, तो आज हम वीडियो बनाएंगे और वीडियो को पूरा देखना। यह फिक्स डायलॉग है, इसको वीडियो को पूरा देखना, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ये जिसको भी इसको मैं कुछ बोलता हूँ बोलने के लिए, ये यही बोलते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वो दूसरा कुछ बोलते ही नहीं है। तो हम आ चुके हैं गांव के चौराहे पर, देख सकते हो ये पूरा चौराहे गांव का। तो अभी तक कोई भी औरतें नहीं आई है, तो खाना वाना खाकर सब औरतें आएंगी और आज औरतों का है जागरण। औरतों के जागरण में हमारा क्या काम, तो हम फिर से ऐसे गली गली घूम कर फिर से घर पर चलते हैं। तो गाइस, हम मंदिर पर गए थे तो क्या हुआ? किधर जा रहे हो? ले यार, तो घूमने जा रहा हूँ। रात को खाना ना खाया है, तो होटल के आता हूँ। तो आज विशाल किधर? विशाल, विशाल घर पे होगा, इसका बर्थडे है आज, खर्चा तो भी करना है। फोन करो उसको, फोन करो, अभी मैं बाद में फोन करता हूँ, अभी मैं अर्जेंट काम है। चलो ठीक, होकर के आता हूँ। तो छोटू सेठ क्या बोल रहा था? तो हम मंदिर पे गए थे तो वहाँ पे सब औरतों को काम है, इसलिए औरतों को काम है, हमारा क्या काम है, इसलिए हम पूछा चलते हैं घूम के घर पे। तो हमने वीडियो बनाया था और हमने सोचा था कि हम मंदिर में जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, पर वहाँ पे सब औरतें थे इसलिए हम फिर से आ गए। तो हमने चार बुजा जी के दर्शन कर लिए और अब फिर हम घूम के उसे चलते हैं घर पे। तो गाइस, हम घूम फिर कर किससे छोटू सेठ के घर के पास आ चुके हैं। छोटू सेठ की दादी है जो ऊपर सबको बुला रहे हैं, क्योंकि आज औरतों का जागरण है चौराहे पर, तो सब औरतें जाएंगे वहाँ पे। तो मैं बताता हूँ छोटू सेठ की दादी को, रुको वहाँ पे ऊपर ही ऊपर चौराहे पे जाइए ना सब जना। क्या बोल रहे हो? चौराहे पे आज शीतला माता रो जागरण है। अच्छा, औरतों का? हाँ, गीत गाइन, भजन गाइन, सब बेटी ने बचे पाची आई। तो कितने बजेगी आपको? 3-4 तो बजेगी। नहीं, 3-4 तो नहीं बजेगी, 10-11 बजेगी। तो वो जो बजे बोलेंगे, हाँ, कुछ पार्टी वाल्टी है क्या? पार्टी नहीं है, धूप ध्यान करते हैं, प्रसाद वरसाद रखते हैं, बांटते हैं, खाते हैं, पीते हैं। चलो ठीक है, ऐसे करते हैं। तो दोस्तों, कल है शीतला सप्तमी, छोटी होली, तो एक दूसरे को रंगेंगे, एक दूसरे के साथ खेलेंगे। छोटी दुल्हन थी ना होली, नहीं छोटी ढूलन दी है कल, तो एक दूसरे के रंगेंगे होली, कलर लगाएंगे एक दूसरे को। तो मैं तो नहीं खेल सकता, क्योंकि दादाजी के बड़े पापा के भाई ऑफ हुए, तो मैं नहीं खेल सकता। लेकिन फ्रेंड खेलेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे यहाँ पे माहौल रहता है, कैसे खेलते हैं। तो आज के लिए इतने, तो कल मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, आज शीतला सप्तमी, मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को शीतला सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी कुछ शॉप पे काम आया तो वहाँ पे चलते हैं।
भाई लड़ा रहे हो रे। तो गाइस अभी तक कोई भी फ्रेंड खेलने को नहीं आया है रंगने को, वो उनको पता है वैसे मैं नहीं खेल सकता, लेकिन मैंने उनको बोला है कि इधर आना ज़रूर, वो खेलेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो तब तक खाना खा लेते, तो आज खाना बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कल ही बना दिया था। शीतला सप्तमी के दिन चूल्हा नहीं जलाते घर में, तो कल ही ठंडा खाना आज खाएंगे। तो खाना बना खा के मिलते जब तक फ्रेंड भी आ जाए। तो गाइस खाना वाना खा कर बाहर चलते, कोई आया होगा तो नहीं, बाहर नहीं चलते, कोई आया होगा तो रंग नहीं गया, ऊपर जाके देखता है कोई आया नहीं आया। अभी तक तो कोई नहीं दिख रहा, अभी कोई हल्ला तो कर रहा था जोर जोर से, अभी तक तो कोई नहीं आया है। लेकिन छोटू सेठ भी नहीं है, देखते हैं गांव में कोई दिख भी नहीं रहा है, शायद उधर खेल रहे होंगे। नहीं बाहर जाऊंगा तो भर देंगे, बाहर नहीं जाता हूं, आएंगे तो इधर ही आएंगे लोग। अभी तक तो कोई आया नहीं, फ्रेंड आते हैं तब तक घर का कुछ काम है वो कर लेते हैं, जब तक फ्री होंगे तब तक वो आ जाएंगे। तो गाइस भाई का भी कॉल आया मार्केट में, कुछ अर्जेंट काम है उसको, मैं और भाई दोनों जा रहे हैं मार्केट, तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा कि यहाँ पे कैसे माहौल रहता है और कैसे खेलते हैं, ज़्यादा कुछ है तो नहीं यहाँ पे, लेकिन नहीं बता पाऊँगा जो भी होगा जो। तो मार्केट जाना है जल्दी, नहा कर धोकर चलते हैं, और मैं मार्केट में व्लॉगिंग नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हल्ला रहता है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। तो फिर से मैं आपको गाँव में मिलता हूँ मार्केट जाकर। तो गाइस मार्केट का काम हो चुका है कंप्लीट और हम आ चुके हैं फिर से घर पे। घर आते ही मैं आ चुका हूँ ऊपर की ओर, क्योंकि ऊपर का व्यू आता है बहुत ही अच्छा, जो मैं शाम को रोज़ देखने आता हूँ ऊपर, तो देख सकते हो कि पीछे का व्यू मैं आपको बताता हूँ पूरा। और नीरज भी आ चुका है रील्स बनाने। तो दोस्तों आ चुके हैं हम पंडा भाई के साथ नई व्लॉग में, तो बहुत दिनों बाद आज व्लॉग बना रहे, तो आज बना रहा तो कल सुबह डालूँगा। तो अभी करण का फोन आया था गुरुदेव का, तो उनके पास भी जाना है उनसे मिलने, तो वहाँ पे चलते भी। फाइनली हमारे साथ है हमारे स्केरी भाई, जिसने हमारा गाना लिखा था आपको बोला था, तो फाइनली गया था। इन्होंने गाया था, और तो फाइनली गाना भी इन्होंने लिखा, बहुत ही अच्छा लिखा, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला गाने को। तो आगे का कुछ प्लान भी है वीडियो बनाने का, और वीडियो बनाएंगे बहुत ही अच्छे गाने भी बनाएंगे, और मूवी भी बनाने का हमारा प्लान है। तो कुछ प्लान है आगे का? आगे हम देख रहे हैं, देखे एक नई पिक्चर लाने के लिए, जैसे हम पहले लाए थे, पहले जैसे हमारी रूम नंबर 18 आई थी, बहुत ही बढ़िया चल रही, लेकिन उसके ऊपर केस हो गया, डिलीट हो गया, उसको हटाना पड़ा। उसके बाद फिर हम अपने ख्वाब लेके आए, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत ही बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत अच्छा ट्रेलर भी बहुत अच्छा गया, और उसके बाद सॉन्ग भी अच्छा चल रहा है, 1K पार हो गए हैं वो, इसलिए पंडा भाई को बधाई, थैंक यू। अब हम देख रहे हैं एक नई पिक्चर लाने के लिए, की बार बहुत अच्छी पिक्चर होगी, जिसमें हम एनिमेशन डालेंगे, ग्राफिक्स डालेंगे, VFX डालेंगे, ताकि और भी हमारे जो व्यूअर्स है वो अट्रैक्ट हो हमारे चैनल की ओर, टीम 80 की तरफ। और अब की बार हम कुछ नया करेंगे, जैसे कि हमारे जो कास्ट होंगे वो हम अब की बार सोच रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर्स में, हमारे व्यूअर्स में, हमारे फ्रेंड्स फॉलोइंग में से लें। अब की बार हम हमारी जो टीम है वो बहुत बड़ी बनाएंगे, जैसे हम हमारे सब्सक्राइबर जो है उनमें से लेंगे, हमारे फ्रेंड्स में से। तो बहुत ही जल्द हम इसके ऑडिशन चालू करेंगे, तो अगर आप में से भी अगर कोई आना चाहे तो ऑडिशन चालू है, ऑडिशन चालू हो जाएंगे थोड़े दिन में, डेट आ जाएगी, उसके बाद आप भी फॉर्म फिल कर सकते हो और ऑडिशन के लिए अप्लाई
अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका भी नंबर आता है अच्छे, आप अच्छी एक्टिंग करते हैं तो आपको भी मौका मिलेगा बालाजी प्रोडक्शन, यस वैष्णव लोग, स्केरी बॉक्स, बालाजी स्टूडियो, टीम 80 स्टूडियो के साथ। तो गुरुदेव से मिलिए, बहुत ही अच्छा लगा। तो इनसे मिलने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। तो आज का वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। वीडियो अच्छा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। गुरुदेव ने बोल दिया, एमआर स्केरी भाई ने, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बाय बाय। पड़ोसी है जो कारोबार, उनके घर का काम चल रहा है, देख सकते हो। मैं भी डरा रहे। ये मेरे को घर डरा रहे।